नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ मंडली जेल में सुबह सुबह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़ जेल से संचालित हो रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर ये छापेमारी की गई है। लखनऊ में हुई अजीत सिंह की हत्या और आजमगढ़ में मनीष राय हत्याकांड का जेल से संबंध की बात कहते हुए कहा कि आजमगढ़ जेल हमेशा से संवेदनशील रही है। इस हत्याकांड के बाबत ये छापेमारी की गई है। फिलहाल जेल में कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। तलाशी अभियान अभी जारी है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे व नगर के क्षेत्र अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। छापेमारी हुई, किस तरीके की छापेमारी थी, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जेल के अंदर छापेमारी की गई है और ये सुबह सुबह छापेमारी की गई है। सभी बैरकों की तलाशी ली गई है और अभी भी तलाशी की जा रही है। अभी तक सब कुछ सामान्य है और कोई और बात अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो अब तक जितनी भी जनपद में लूट या हत्या हुई है उनका कहीं ना कहीं लिंक आजमगढ़ जेल से मिला है, तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर मोबाइल चल रही है और बदमाशों को हाई VIP ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की जाँच चल रही है? देखिए, अभी जो हत्या हुई थी, एक तो लखनऊ में हुई थी अजीत सिंह की और एक फिर मनीष राय की हत्या हुई थी। दोनों में जो षड्यंत्र की जो बात सामने आई थी वो जेल के अंदर से, आजमगढ़ जेल के अंदर से आई थी और तब से हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और उसी के संदर्भ में छापेमारी भी की गई है। लगातार यहाँ से सूचना एकत्रित की जा रही है और जो भी कोई दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यकता होगी तो उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। क्या लगता है कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की भी संलिप्त है इसमें, भूमिका है उनकी? देखिए, अभी तो कोई बात सामने ऐसी नहीं आई जेल प्रशासन के संलिप्तता वाली, लेकिन लगातार इस पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी क्योंकि आजमगढ़ की जेल हमेशा से संवेदनशील रही है और यहाँ से हमेशा से कुछ ना कुछ बात आती रही है इस टाइप की, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। आज आपने चेकिंग किया है तो आज आप लोगों को क्या मिला है? और जैसे मैंने अभी कहा कि अभी सभी कुछ सामान्य है और अभी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद टीम अंदर लगी हुई है और कुछ कोई बात अगर सामने आएगी तो आपको बताई जाएगी।